और दो तीन सरनेम देखते हैं हम लोग। देखो जैसे कुलकर्णी, अब कुलकर्णी क्या होता है, कुल यानी कि आपका फैमिली और करणी यानी कि उसकी सेंसस, तो जो किसी भी फैमिली की सेंसस निकालता था पूरे गांव के उसे हम कहते थे कुलकर्णी। अब एक और सरनेम आपको मैं बताता हूं, जैसे कि भोसले, भोसले सरनेम का राइस कहां से हुआ है, यानी कि भोसल करके एक गांव था, उस गांव से जो वंश निकला उसका सरनेम पड़ा भोसले। एक सरनेम निकल के आता है शिंदे, अब शिंदे सरनेम कहां से पड़ा मैं आपको बताता हूं कि शिंद करके, शिंद ओनली शिंद करके एक राजघराना था जो ये मानते थे कि सिंधु नदी और शिवा इनके संगम से हमारा राजघराना निकला है, वो नागवंशी थे, तो उन्होंने अपना सरनेम लिख लिया शिंद, समय के साथ वो महाराष्ट्र आए और उनका सरनेम पड़ा शिंदे। तो इसी तरह से इन सारे सरनेम्स के नाम निकल के आए हैं। अब किसी किसी के नाम यार भलते भलते रहे थे।